इधर पे 5:30 हो चुकी है और मेरे पापा मेरे को उठा रहे थे, क्योंकि आज पहला दिन था तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। और फिर मैंने अपने डेली के काम कर लिए थे, जैसे कि ब्रश कर लिया था और अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया था। और ये सब करते करते मेरे को 6:45 हो गई थी, फिर मैं नहाने चली गई थी। तो इधर मैं उठ चुकी थी और फिर मैं अपना ब्रश कर रही थी, फिर उसके बाद अपना फेस वॉश करूँगी, फिर नहाने चली जाऊँगी। तो पापा मम्मी ने पानी गर्म कर रखा था, तो बस मैं नहाने जाऊँगी इसके बाद। तो घर पे मैं नहा के आ चुकी थी, फिर मैं तैयार हो रही थी, मैं क्रीम लगा रही थी, फिर मैं बाल सुलझा लूँगी अपने, फिर मम्मी मेरे बाल बना देगी। तो अब आप देख ही सकते हैं मेरी मम्मी मेरा लंच रेडी कर रही है। आज खाने में मम्मी ने भेजा था पूड़ी और भिंडी की सब्जी, तो बस ये मम्मी वही प्रिपेयर कर रही है मेरा लंच। तो इधर पे आप देख ही सकते हैं मम्मी पूड़ी रेडी कर रही है, भिंडी बन चुकी थी और नाश्ता भी रेडी था, चाय और चीज़ सैंडविच भी बने थे नाश्ते के लिए। और इधर पे मम्मी मेरे बाल बना रही थी, फिर बाल बना के मैं अपने सॉक्स और शूज़ पहन लूँगी, फिर वैन आएगी मेरी। तो इधर मैं सॉक्स पहन रही थी, फिर मैं शूज़ पहन लूँगी। इधर पे मेरा जो लंच है वो रेडी हो चुका था, बन चुका था और अब मम्मी पैक कर रही थी इसे। तो पूड़ियाँ पैक कर दी थी और भिंडी भी पैक कर दी थी और मम्मी ने साथ में केक भी दिया था मुझे चॉकलेट के। तो इधर पे मम्मी मेरा ग्लूकॉन डी तैयार कर रही है, क्योंकि हम 2 वाटर बॉटल लाए थे, तो एक में मम्मी मेरे को एनर्जी ड्रिंक भेजती है और एक में पानी भेजती है। तो बस ये ग्लूकॉन डी मम्मी तैयार कर रही थी, उसके बाद छोटी वाली बॉटल में डाल देगी और बड़ी वाली बॉटल में पानी ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रिज में। तो गाइज इधर पे मैंने अपनी ड्रेस पहन ली थी और मैंने अपने सॉक्स भी पहन लिए थे जैसा कि मैंने दिखा दिया है। अब मम्मी मेरा लंच प्रिपेयर करके मेरे पास आई और मेरी ये चुन्नी सेट कर रही थी। तो बस ये चुन्नी सेट होने के बाद मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट आ गया है, तो दूध था और सैंडविच थे चीज सैंडविच जैसा कि मैंने दिखा ही दिया था। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, अब मैंने सॉक्स तो पहने हुए थे ही, तो उसके ऊपर बस मैं अपने शूज़ पहन रही थी। फिर मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, मैं अपना फुल लुक भी दिखाऊँगी बाद में, फिर मैं पूरी फ्री हूँ। फिर वैन भी आएगी और वैन आने में थोड़ी देर थी, तो पापा और मैं बैडमिंटन खेल रहे थे।
तो ये देखिए गाइस, वैन आने में थोड़ी सी देर थी, तो पापा और मैं बैडमिंटन खेल रहे थे। सो गाइज, ये मैं मंदिर जा रही थी और भगवान को हाथ जोड़ के आ गई थी, क्योंकि ये पहला दिन था तो भगवान को मैंने हाथ जोड़ लिए थे। सो ये देखिए गाइज, ये मेरी वैन आ चुकी थी, फिर मैं स्कूल जा रही थी, फिर जो जो मैं आके करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। विद्याश्रम के लिए पूछ रहे, ये रुद्र है और अच्छा मिस्ट्री, आपका नाम क्या है? कनिष्का। अरे वाह, चलो बेस्ट ऑफ लक सबको। और ये हमारे बुरा जी भी लिया है दूसरी भाई, बहुत अच्छा है, गुड, अच्छा लगा। और आना से 10 दिन पहले लाई थी, अब सुन बंद है कि उस टाइम चली गई। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। सो ये देखिए गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं मम्मी से कह के रखती हूँ कि जब भी मैं आऊँ तब एसी चला के रखना। तो ये देखिए गाइस, ये मम्मी मेरी एसी चला के रख रही है और अब मैं बस आ जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मम्मी ने एसी चला के रख दिया है। फिर मम्मी जब मैं आती हूँ तब कुछ स्नैक्स भी खाती हूँ, तो ये देखिए मम्मी ने अप्पे प्रिपेयर करके रख रखे थे, तो मैंने अप्पे और लहसुन की चटनी खा ली थी। तो ये देखिए गाइज, ये मैं घर आ चुकी थी और मम्मी नीचे आ गई थी। मेरा बैग क्योंकि बहुत हैवी था तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती, इसलिए मम्मी आ गई थी नीचे मेरा बैग लेने। तो इधर पे मैं आ चुकी थी, अब मैं रेस्ट करूँगी। तो इधर पे मैं अपनी जो है यूनिफॉर्म उतार रही हूँ और फिर मैं अपने घर के कपड़े पहन लूँगी, फिर थोड़ी देर या तो सो जाऊँगी या फिर कुछ भी कर लूँगी। तो ये जो मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतारी थी वो मैं समेट के रख रही थी, फिर मैं ये देखिए, आप देख ही सकते हैं ये मेरे स्नैक्स पड़े हैं, वो खाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा पसीने हो रखे थे इसलिए मैं अपना जो है फेस वापस वॉश कर रही थी। इधर पे जो मम्मी ने अप्पे और लहसुन की चटनी रख रखी थी वो मैं खा रही थी। तो गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। इसको आने में भी 1 घंटे छुट्टी कब होती है? 1:30।
1:30 हो जाती है, लेकिन वैन में आते आते 2:30 से भी ऊपर टाइम हो जाता है। तो फिर अब थक गई है पूरे दिन की, उठी भी 5:30 थी है ना। छुट्टी तो हो जाती है 1:35 पर, हमारे अब क्या कर दिया कि थोड़ी देर वैसे रेस्ट वाला टाइम भी रखेंगे लास्ट में। रेस्ट किस लिए? रेस्ट तो घर पे कर लेंगे। क्यों पता नहीं ऐसी। तो फिर छुट्टी कब होती है? पता नहीं, मैंने टाइम तो नहीं देखा, पर 1:35 से ज़्यादा छुट्टी होती। तो फिर आते आते ये टाइम हो गया, अब 3 बज गए, खाना पीना हो गया, इसने ड्रेस व्रेस सब रख दी है, अब ये सोएगी थोड़ी देर। तो गाइज़ इसी दिन गंगौर भी थी, तो मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं गंगौर पूज रही थी। तो फिर गाइज़ ये शाम हो चुकी थी और मैं मम्मी के साथ ऐसे ही छत पे टहल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं तो उनसे मैं बातें कर लेती हूँ या खेल लेती हूँ। तो इधर पे मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। फिर थोड़ी सी ब्लॉग की एडिटिंग करने के बाद मैं पढ़ने लगी थी। ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर जो थे हर सब्जेक्ट के वो रीड कर रही थी थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स इधर पे रात हो चुकी थी और मम्मी मेरे को खाना दे गई थी तो मैं बस खाना खा रही थी। सो फ्रेंड्स मैं ये टीवी देख रही थी। टीवी देखने के बाद जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया ही था कि मैं जो है स्कूल जाने से एक रात पहले क्या क्या करती हूँ, फिर मैं वही करूँगी और बस मैं फिर सो जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय।